हेलो हेलो, वीडियो देखने वालों, टेबल देख रहे हो, मेरी सजी हुई है। मैं हूँ इस वक्त गाजियाबाद में और ये मेरा टेबल है वेज से सजा हुआ। जी हाँ, ये नॉन वेज जरूर लग रहा है लेकिन है ये वेज। और यहाँ के जो करता धरता है उन्होंने कहा है कि ये जो यहाँ पे चीज़ें भेज रहे हैं ये और कहीं नहीं मिलती, ये जो बाज़ार में कॉमन है उससे बिल्कुल हटके है। तो देखते हैं कि ये हटके है या सिर्फ बातें ही हैं। तो चलिए मेरे साथ, लेट्स गो। तो पेश है सरदार जी मलाई चाप जंक्शन प्योर वेज। जी हाँ, और आउटलेट देखिए, टेक अवे आउटलेट है। बाहर तीन चार टेबल लगे हैं जहाँ आप इंजॉय कर सकते हैं, गाड़ी में भी सर्व हो जाता है और टेक अवे तो है ही है। इस वक्त हम हैं वैशाली गाजियाबाद में और यहाँ का बहुत ही रेनाउंड ब्रांड है सरदार जी, और वहाँ से मोहिंदर जी जो इस आउटलेट के कर्ता धरता हैं, इनसे बातचीत हुई ऑफ कैमरा। ये एचआर बिजनेस में थे और ये कहाँ खाने पीने में आ गए, बाइकर, ये सारे काम छोड़ छोड़ के। ऐसा है भाजी, जब आदमी कुछ करता है यंग एज में तो बहुत सारी एक मोटिवेशन होती है, बहुत सारे एम्बिशंस होते हैं। तो बीइंग अ बाइकर, मैं ट्रैवल करता था ऑल इंडिया, तो बहुत सारे फूड कैफेज वगैरह लो प्रोफाइल जाता था। तो एक चीज़ जो मैंने देखी, इंडिया इज़ यूनाइटेड बाय फूड, जहाँ आप जाओगे आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। तो पैशन बहुत था मेरा, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि जहाँ पे अर्निंग भी हो और साथ में अपना पैशन भी फुलफिल हो। तो बीइंग अ सिख आई वॉज वेरी फैसिनेटेड अबाउट फूड, तो दैट्स वाई आई लैंडेड इन टू फूड बिजनेस। और समहाउ चीज़ें वन ऑन वन ऐसे होती चली गई कि बाय द ग्रेस ऑफ माई मदर एंड गॉड आज खड़े हैं आपके सामने एक ब्रांड लेके। सबसे पहले क्या खाने पीने का शुरू किया था? सबसे पहले मैं बताऊं तो शायद आपको अजीब लगेगा, बीइंग एन एमबीए और बीइंग फ्रॉम अ वेरी एजुकेटेड फैमिली, मैंने मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे वैशाली मेट्रो बहुत फेमस, वहाँ पे एक छोटा सा मोमोज का स्टॉल लगाया था। बिकॉज पॉइंट ये था भाजी के इंस्टेड ऑफ पेरेंट्स से पैसा लेके 5-7-10 लाख रुपये लगाना, आई वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑन माई ओन। तो बहुत छोटे लेवल से शुरू किया क्योंकि डर था कि शायद चले ना चले, तो उतना ही रिस्क लिया जितना अपने दम पे ले सकता था। तो फिर धीरे धीरे करते गए, मेहनत करते गए, कुछ लोग जुड़ते रहे, नए शेफ आए, करते करते फिर फाइनली 5 साल पहले, तब शायद इतना क्रेज़ भी नहीं था चाँप का, लोगों को इतना नहीं था, तो वी लैंडेड इनटू सोया चाँप बिजनेस। एंड फिर तो पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, बाय द ग्रेस ऑफ माई मदर एंड गॉड। वो जो नॉर्मल हम स्ट्रीट फूड पे देखते हैं जो मैदे, बेसिकली मैदा ही होता है एक्चुअली, क्या आपका सेम वही क्वालिटी है या कुछ अलग? सर, मैं आपको अभी हम जब किचन विजिट करेंगे तो मैं आपको शो करूँगा, वी एक्चुअली बिलीव इन सर्विंग द क्वालिटी। देखो, अपना एक मानना है, अगर आप कुछ टाइम प्रॉफिट्स को छोड़ के क्वालिटी पे फोकस करोगे तो एक ऐसी स्टेज आती है जब आपको अप्रिसिएशन मार्केट में मिलती है और फिर क्वालिटी के कारण क्वांटिटी और पैसा अपने आप आपके पीछे आता है। तो ये हमारा एक प्रिंसिपल रहा है बिजनेस में, चाहे वो मसाले हों चाहे इंग्रेडिएंट्स हो। तो चाप जो हमारी है वो प्रॉपर हमारी अपने एक है नोन, उनकी प्रोडक्शन से आती है विद प्रॉपर FSSAI मार्क, पैकेट्स में इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, एक्सपायरी डेट लिखी है, एंड आई गेस मेरी चाप में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोया इंक्लूडेड है, थोड़ा मैदा इज इंक्लूडेड बिकॉज इट्स अ वेरी बेसिक फंडामेंटल के बाइंडिंग के लिए कंटेंट चाहिए, लाइक वी ईट कबाब, कबाब में भी। लेकिन ये टोटली वो मैदा नहीं है जो हम बाजारों में खा रहे हैं, एब्सोल्युटली थोड़ा सा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, हेल्दी है। बोल रहा हूं मैं आपको, पैक में दिखाऊंगा, इट्स नॉट के सिर्फ मैं ऑन वीडियो बोल रहा हूं। इतना नाम बना लिया इस एरिया में जी, फ्यूचर प्लान्स हैं कुछ? सर, फ्यूचर प्लान ये है, मोमोज काउंटर से क्या फ्यूचर? देखो, जब बंदा छोटे काउंटर से सोचता है बहुत दूर का शुरू में शायद नहीं सोचता होगा, लेकिन आज आप क्या आपका विजन है? तो नाउ वी आर स्ट्रक्चर्ड आवर फ्रेंचाइजी मॉड्यूल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट शेफलेस मॉडल है। कोई भी बंदा अगर हमारे साथ एसोसिएट होता है कहीं भी, वो शेफ पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि आई एम श्योर आपको पता है फूड लाइन में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, आज आपने लिया, कारीगर भाग गया, आपका टेस्ट गया, आपकी दुकान गई, नया लाओगे, सेट करोगे, उसी में आदमी खत्म हो जाता है। तो बेसिक है कि हमारा जो मॉडल बना है फ्रेंचाइज मॉडल, दैट इज शेफलेस मॉडल। तो बाकी तो अगर कोई हमसे जुड़ता है, कॉन्टैक्ट करता है, तो वील एक्सप्लेन फर्दर, बट इट इज ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ हाउ अदर बिग MNCs आर वर्किंग। जो इन्होंने फ्रेंचाइज की बातें की हैं ये हम एक्सपीरियंस करते हैं, हमारे पास भी बहुत महाराष्ट्र से, गुजरात से बहुत इंक्वायरीज आती हैं, वो लोग भी कहते हैं कि ये उनको प्रॉब्लम होती है बाद में, स्टार्टिंग में सब सही है, बाद में जाके ये इशू होता है। मुझे ये बताओ, बेस्ट यहाँ पे फूड आइटम्स क्या दोगे आप? ग्रेवीज में अलग चाहिए, जो मैं यहाँ आपको बता, हम तो खा चुके हैं, कुछ नया बताओ। अगर मैं ग्रेवीज की बात करूँ तो आई कैन ग्रेवीज में आई कैन गेट यू ट्राइड अमृतसरी कीमा मटन विच इज़ वेज, देन वन इज़ ब्लैक मटन, और एक है हमारा बहुत फेमस मटका पनीर, और दूसरा अगर मैं स्नैक्स की बात करूँ, वी हैव गॉट शाही टुकड़ा विच इज़ वेरी ओवर एंड अबव द लेवल ऑफ नॉर्मल मलाई चाप जो मार्केट में बिकती है,
देन थोड़ा स्पाइसी के अंदर वी हैव गॉट वेज लॉलीपॉप विच इज़ वेरी डिफरेंट, और देन आई फॉर श्योर आपको मैं ट्राई करवाऊंगा अपने बटर कबाब विच इज़ इन हाउस मेड, और बटर कबाब है बहुत अच्छे। चलो बातें होगी, मुंह में आपने इतनी सारी चीज़ों के नाम लेने, मेरे तो मुंह में आ गया पानी, तो फटाफट अब हमें टेस्टिंग करवा दो बड़ी बड़ी चीज। तो ये है जो मैं आपको बता रहा था, द काइंड ऑफ ब्रांडेड चाप जो हम यूज़ करते हैं, इसमें आप देख सकते हैं सारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं, FSI मेंशनड है, और यहाँ पे बेस्ट बिफोर और क्या क्या हम डालते हैं इसमें, वीट फ्लोर, सोया फ्लोर सब एडेड है, और बहुत अच्छी क्वालिटी की है। और आप देखो इसका कंटेंट, तो लोकल कुछ भी यूज नहीं करते हैं, सो दैट कि एटलीस्ट किसी के हेल्थ के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। और हम इनकी किचन में हैं, और यहाँ एक स्पेशल चीज हमें ये देखने को मिली है, देखिए कितने वेल ड्रेस्ड है, स्ट्रीट फूड लेवल पे इतना वेल ड्रेस्ड स्टाफ शायद मैंने कभी नहीं देखा। ये देखिए तंदूर, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कोई नॉन वेज देख रहा हूँ, इतना बढ़िया मैरिनेशन है इसका। ये देखिए वेज के ऊपर बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि ये वेज है, इतनी शानदार मैरिनेशन, लुक्स फैब, दिस इज ट्रूली वेरी फैब। तो लीजिए अब हमारे लिए वेज बिरयानी बनती हुई, ये गए जी बढ़िया से खड़े खड़े चावल। चावल कौन सी यूज कर रहे हो? चावल गोल्डन चला सर। ओके, केवड़ा वाटर गया, ये जा रहा है जी घी, वाह ओ वाह ओ वाह, और ये देखिए पूरे आटा लगा दिया गया, अब इसको एक टाइप से कहेंगे दम लगाया जा रहा है। तो ये सील बंद कर दी गई है मटकी बिरयानी की, जी हाँ वेज बिरयानी। तो हमारे जैसे यहाँ पे फूडी मिल गए हैं, तो मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांभवी है। और आपका सर? मैं प्रणव। तो मेरा नाम परंजय, परंजय नाम है। परंजय, ओहो बहुत प्यारा नाम है और बहुत अलग डिफरेंट नाम है। क्या खाया यहाँ पे आप? तो हम लोगों ने अफगानी चाप ऑर्डर किया एंड पनीर टिक्का एंड धुआदार चाप। अच्छा, हाँ जी। और बस ये साउथ से है बेसिकली, साउथ इंडिया से। हाँ साउथ इंडिया से, इसको आए हुए यहाँ पे 10 दिन हो गए हैं, बट हमने स्पेशली इस जगह पे खिलाने के लिए इसको 10 दिन से कंट्रोल करवा के रखा हुआ है कि पहला अपना चाप यहीं आके ट्राई करना है। एंड अब आप इनसे ही पूछे, ये माइंड ब्लोन है अभी तो। मैं तो अभी भी रिकवर नहीं हो पाया हूँ ये स्टेज से, दिस आई वुड रेट 200 out of 100। वाह, और आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है? मैं एगिटेरियन हूँ। आप एगिटेरियन है, तो उसके हिसाब से ये कितना सवाल लगा आपको? ये वैसे मैं एगिटेरियन हूँ, बट मैं चिकन वगैरह खा चुका हूँ। अच्छा, मुझे अभी समझ में नहीं आता कि लोग चिकन क्यों खाते हैं जब सोया चाप एग्जिस्ट करता है। वाह, इतना स्वाद है ये। इतना स्वाद है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन चिकन, इनफैक्ट दिस इज बेटर। ओके, थैंक यू सो मच हमारे से बात करने के लिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। और ये मेरा टेबल है वेज से सजा हुआ, जी हाँ ये नॉन वेज जरूर लग रहा है लेकिन है ये वेज। तो सबसे पहले जी हाँ, ये चिकन जैसा दिखने वाला इनका लॉलीपॉप, वेज लॉलीपॉप, ये देखिए कैसा इसको तैयार किया गया है, चिकन भी शर्मा जाए। तो सबसे पहले ये ट्राई करते हैं, ये देखिए अगर आप मसालेदार स्पाइसी चीज़ें खाते हैं तो ये लॉलीपॉप मिस नहीं करना, बहुत ही स्पाइसी है, मसालेदार है, और शाम की छोटी सी भूख के लिए बहुत ही शानदार।
बटर कबाब्स। जी हाँ, ये देखिए बटर कबाब वेज है सब कुछ यहाँ पे। ये प्याज लगा के ये ट्राई करते हैं। मजा आ गया। जो ये आप सीख देखिए, ऐसी सीखे जनरली नहीं मिलती, ये जो वेज स्ट्रीट फूड वाला होता है ये बहुत ही शानदार है मेरी तरफ से। अगर ये मसाले प्याज क्रीम वगैरह नहीं भी डाली हो तब भी ये बहुत फ्लेवरफुल है, सीख मज़ा आ गया ये भी। तो ये इनकी अमेरिकन स्टाइल सीख है और ये फ्राइड पनीर। वाह। अब इनका ट्राई करते हैं शाही टुकड़ा। इसमें कोई ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं है। क्रीमी मसालेदार चटकारेदार। इसको आप, मैं ये कहूँगा कि ऐसे स्नैक्स आप रुमाली के साथ भी खा सकते हैं तो आपकी एक मील पूरी हो जाएगी और बहुत अच्छा है। क्रीम का भी अच्छा फ्लेवर आ रहा है, जो इन्होंने अपने मसाले डाले हुए हैं सोया में उसका भी अच्छा फ्लेवर है। तो ये इनकी दाल है, तो वेज वाली जगह पे जाओ अगर दाल स्वाद ना हो तो आपका मन और टेस्ट दोनों किरकिरे हो जाते हैं। तो इनकी देखते हैं दाल कैसी है। और जिस टाइप का ये लच्छा परांठा है ये देखिए, और अजवाइन देखिए क्या लच्छे निकले हुए हैं, क्या क्रिस्पीनेस है, बहुत शानदार। और ये हर किसी के बस का नहीं है बनाना। ये देखते हैं यहाँ की मेन कोर्स में दाल मखनी, और हमने बिरयानी भी बनवाई है वो भी ट्राई करेंगे। और एक इनकी डिश और है वो भी, ये देखिए काफ़ी क्रीमी बटरी वाली दाल। मैं जब भी दाल मखनी खाता हूँ और इतनी जब क्रीम और बटर डला होता है, मेरी सबसे पहले जो मुझे चीज़ क्लिक करती है वो ये करती है कि मुझे क्या दाल का टेस्ट आया। यहाँ पे दाल का टेस्ट आया, क्रीम और मक्खन चाहे जितना मर्जी डलाओ वो सिर्फ एक टेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। असली टेस्ट जो दाल का होता है वो है। तो लीजिए ये इनकी मटका बिरयानी। ये जितनी भी चीज़ें हम खा रहे हैं सबके रेट्स आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे। ये देखिए पापा एक आप लॉलीपॉप लगवाना पड़ेगा था। पापा मैम की फोन मलाई हुई। सिर्फ हड्डी की कमी है, किसी भी एंगल से ये नहीं लग रहा कि ये कोई वेज बिरयानी है। ये देखिए ये इनके बॉल्स हैं, ये देखिए हाँ, कहीं से भी नहीं लग रहा, सिर्फ हड्डी की कमी है। पूरा ऐसे लग रहा है कि ये कोई नॉन वेज बिरयानी है। तो ये देखते हैं। ऐसा है, देखो कुछ लोग होते हैं जो मंगलवार नहीं खाते, थर्सडे नहीं खाते, सैटरडे नहीं खाते, नवरात्रों में नहीं खाते और कुछ स्पेशल ओकेजन पे नहीं खाते, लेकिन वो नॉनवेज खाते होते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर क्रेविंग हो नॉनवेज की तो आपको आना है सरदार जी पे। जी हाँ, बिरयानी हो, ग्रेवी आइटम हो, स्नैक्स हो, आपकी सारी क्रेविंग को ये भगा देगा। वेज ब्लैक मटन। वाह, ग्रेवी देखिए कितना बढ़िया रंग ग्रेवी का, अदरक के बड़े बड़े लच्छे दिखते हुए। ये देखते हैं, ठीक ग्रेवी ऐसा है जैसे कोई आप मटन टिक्का तवा मटन टिक्का खा रहे हो वैसी लुक दे रहा है। जब एंड में कई बार मेरे लिए एक चीज़ होती है ना कि सबसे मुझे अच्छा क्या लगा, क्या कम अच्छा लगा, तो आज मेरे लिए बहुत बड़ी ट्रबल हो गई है क्योंकि ये बताना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मुझे सबसे अच्छा क्या लगा, उससे कम क्या लगा और उससे कम क्या लगा।
सिंपल सी बात यह है, आई एम नॉट इन पोजिशन टू टेल कि मुझे कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी कम लगी। यस, जो चीज़ मुझे शॉक कर गई वो थी इनकी दाल मखनी, जिसने मेरे को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया। बाकी इनकी बिरयानी, जी हाँ, मैं वेज बिरयानी का प्रेफर नहीं करता, और बहुत सारे वेजीज होते हैं इसमें, वैसे वेजीज नहीं है, तो बिरयानी दूसरे नंबर पर मैं कहूँगा। इनका ब्लैक मटन मेन कोर्स में, ये भी बहुत अच्छा है, आप इसको रुमाली के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ, सबके साथ जाएगा, बढ़िया है। आपकी प्रेफरेंस है कि आप क्या पसंद करते हो। स्नैक्स में मैंने आपको बता दिया, मेरी तरफ से फुल ऑन है इनको, बहुत अच्छी जगह है। और मैं इनको पता नहीं क्यों 1.5-2 साल से टाल रहा था कि मैं आऊँगा आऊँगा आऊँगा, और फाइनली आई एम हेयर। और बहुत टाइम बाद हम सोया चाप का वीडियो बना रहे हैं, तो होप आपको हम एक अच्छी जगह दिखा रहे हैं जहाँ जाकर आपका पैसा वसूल होगा, ये वैसी जगह है। तो आइए खाइए, वापस आके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।